जी आपकी बार किसका कर्नाटक इसी पर हो रही है बात, क्योंकि आज वोटिंग का दिन है और 7 बजे से लगातार कर्नाटक के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर मतदान जारी है। बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। बीएस येदियुरप्पा ने अपना वोट डाला है, पूर्व सीएम है कर्नाटक के, क्योंकि उन्होंने तो राजनीति से संन्यास ले लिया है, लेकिन उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरा बड़ा चेहरा निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, वो भी अपना वोट कास्ट करने बेंगलुरु में विजयनगर में पहुंची, वहां उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। कई पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की इस वक्त लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। संजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि वोटर्स का मन टटोलने की भी कोशिश कर रहे हैं। संजीव, 8:30 हो गए हैं, कितनी तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है, क्या वोटिंग को लेकर क्रेज है वोटर्स के अंदर, वो दिख रहा है? देखिए, उत्सुकता बिल्कुल है यहाँ पर, और अपना वोट जल्दी से जल्दी कास्ट करें जाकर के। मतदाता लगातार मतदान केंद्रों में आ रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक बहुत से लोग। आप वोट देकर के आ गए या जाने वाले हैं? वोट दे दिया आपने? अच्छा अच्छा, ये आपने मतदान या अच्छा ये आपका वोटर कार्ड है, मतदान पत्र दे दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब ये बताइए कि जब वोट देने जाते हैं तो आपके दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं, इश्यूज, व्हाट इज? थोड़ा-थोड़ा आता है, वो थोड़ा-थोड़ा ही नहीं आता। इजाज आप आ जाइए, इनको थोड़ा-थोड़ा आता है। मैं ये कह रहा था कि आपने वोट डाल लिया ना? वोट हो गया। हाँ, तो वोट डालते वक्त इश्यूज क्या होती हैं दिमाग में, मुद्दे क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, यहाँ पर प्राइस राइज, रिलीजियस इश्यू, क्या रहता है? सब चीज़ का रहता है। हाँ, पर ओनली द थिंग इज वी लुक इनटू अ पर्सन हु कैन be able to be a leader for ourselves. हम जाके बात कर सकता है, हम जाके उसको उन लोगों को पूछ सकता है, क्योंकि कुछ इश्यू है तो वो लोग इश्यू रिजॉल्व कर सकता है, वो लोगों को हम लोग वोट करते हैं। अच्छा, जो स्थानीय लोग हैं, लोकल हैं, जिनको मैं सीधे पकड़ सकता हूँ कि साहब मेरा काम करो, ये नहीं हो रहा है, उसको आप लोग वोट देना प्रेफर करते हैं? अच्छा। तो यानी कि जो नेशनल लीडर्स आते हैं वो जब प्रचार करते हैं उसका असर होता है आप पे? हाँ, होता है, होता है, पूरा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। कभी भी उन लोगों का स्पीच देखे तो, नहीं तो वो रोड शो देखे तो, वो एग्जैक्टली इट विल इंक्रीज द वोटर परसेंटेज, नॉट लाइक वोटिंग टू अ सिंगल पार्टी, बट एवरीवन विल कम एंड वोट फॉर देमसेल्फ। अच्छा अच्छा, आप मैं इस तरफ आइए, आप आइए, आपने वोट डाल दिया? वोट डाल दिया, तो जब वोट डाल रहे थे दिमाग में क्या बातें थी? दिमाग में हमें क्या भी, जो हमारे घर में तकलीफ रहती है, जो ये रैली वो करना, उसको जाकर हमें पूछ सकती हैं। अच्छा, लोगों से पूछ सकें? आपको लगता है महंगाई एक मुद्दा है, प्राइस राइज? महंगाई तो फुल है, तो थोड़ा कम करने के वास्ते भी जरा ये जरूरी है कि थोड़ा कम हो महंगाई, महंगाई तो थोड़ा कम होना। और क्या बात दिमाग में थी आपके? अच्छा, चलिए, ये लोग शायद भाषा की वजह से भी आप चूँकि बेहतर बोल पा रहे हैं, आप ये हमें बताइए कि यहाँ जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो सब क्या, वो बेसिक इश्यूज़ वो सब भी रहते हैं चूँकि ये विधायक का चुनाव है, या फिर आपको लगता है कि दिल्ली से लोग आते हैं, राहुल गांधी आए, प्रधानमंत्री मोदी आए, उनकी बातों पर ज़्यादा जोर देंगे लोग? लोग ज़्यादा समझदारी है, क्योंकि अगर ये स्टेट इलेक्शन है तो स्टेट का इश्यूज़ क्या है वो देखता है, नॉट द सेंट्रल इश्यू। सो दिल फिक्स इन टू थिंग लाइक स्टेट इश्यू, वॉट क्या क्या है, उसके हिसाब से ही वो लोग देख के वोट करता है। अच्छा, चलिए, तो ये माजरा यहाँ आपको मैसूर में दिखाई पड़ रहा है, और लोग बाग कहते हैं कि देखिए स्थानीय इश्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रभाव जरूर उनका पड़ता है जो लोग बाहर से आकर के प्रचार करते हैं, पर यहाँ लोकल इश्यूज़ मैं बार बार सुन रहा हूँ और वो लोकल इश्यूज़ इस बार प्रभावी होंगी, ऐसा मुझे लगता है। ये अच्छी बात है कि मतदाता जागरूक है कि उनके असल मुद्दे क्या हैं, उनको ये पता है, भले ही पार्टियों ने कितना भी माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की हो। केजे श्रीवास्तव, बेंगलुरु में किसकी बात बनती हुई नजर आ रही है इस बार? जी देखिए, बेंगलोर की जहां तक बात है कि यहां के जो मतदाता हैं काफी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, यही कारण है कि जब आज वोटिंग 7 बजे शुरू हुई थी तो लंबी लंबी कतारें, यहां पर आप देख सकते हैं एक मतदान केंद्र है और इस मतदान केंद्र पे लोगों की भीड़ किस तरह से है, कितनी ज्यादा यहां पर लोग हैं। अब मैं इनसे ही बातचीत करके जानने की कोशिश करता हूं कि किस इश्यू के आधार पर इन्होंने अपना वोट दिया था। मैम, आप वोट देखे आ गई?
क्या चल रहा था आपके दिमाग में जब घर से निकले थे वोट डालने? जिसको देना था उनको ही दिया। कोई सब्जेक्ट इशू? हाँ, हम लोगों ने सोचा जो सेंटर में है सरकार वो स्टेट में भी वही हो तो अच्छा। मतलब डबल इंजन वाली जो बात है, डबल इंजन वाली जो मोदी जी ने किया। लेकिन वो करप्शन वरप्शन की जो बात सामने आई थी उसका कुछ असर है? थोड़ा बहुत नहीं, इतना असर नहीं देख रहे थे, असर नहीं देख रहा, आपको भी नहीं दिख रहा, आप भी एक मिनट आइए। तो मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूँ सर, और क्या सब्जेक्ट है जो आपके लिए मायने रखता है? थोड़ा कैमरे की तरफ। हाँ, जो भी आएगा ना उनको सर्विस देनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग इज दे शुड बी प्रॉपर सर्विस एंड ऑनेस्टी शुड बी देयर। और वो जो इम्पोर्टेंट, और धर्म की जो बातें आई थी बीच में, ये तो पॉलिटिक्स में होती रहती है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। किस तरह का कर्नाटक देखना चाहते हैं इस बार गवर्नमेंट? किस तरह की फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं? विकास, विकास। आपको लगता है कि डबल इंजन ही विकास कर पाएगा? विकास कर पाएगा, मेट्रो बहुत फास्ट काम चल सकता है, वही हम लोग सोच रहे हैं। राइट, तो ये है वोटर है जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर वोट डाला है, और इनका कहना है कि डेवलपमेंट का जो मुद्दा है उसके आधार पर ये वोट देने यहाँ पर आए हैं। घर से निकले थे यही सोच के निकले थे, हालांकि जब यहाँ पर कैंपेन हुआ था, चाहे वो पीएम मोदी ने किया हो, अमित शाह ने किया हो, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने भी, डबल इंजन की सरकार का बहुत जिक्र हुआ है। तेजस्वी वत्सन वोटर्स भी कर रहे हैं और बीजेपी को भरोसा है कि इस आधार पर उनको वोट काफी मिलेगा। हमारी नजर रहेगी, मेगा कवरेज जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए News24। हर बार की तरह इस बार भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।